हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हमारे इन वन एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजी वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सारी जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों अभी कॉइन देख रहे हैं ये है टू में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पे इशू किया गया ये कॉइन है ये ये फाइव रुपीस का कॉइन इस कॉइन के साथ साथ और दूसरा एक कॉइन भी इशू किए थे वो है पचास रुपये का कॉइन मैं ये दो कॉइन की भी और ये कॉइन किस कितने में अभी फिलहाल जा रहा है ये सब मैं आपको बता दूंगी उससे पहले एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए है तो ज़रूर ऑन कर लीजिए क्योंकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं तब आपको हमेशा पहले पहुँच रहेंगे बिना सच के इसके कोई भी पैसा नहीं लगेगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इसका शॉर्ट फॉर्म के वी आई सी कहकर भी बुलाते और इज़ ए स्टेटरी बॉडी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट ऑफ 1956 इन अप्रैल 1957 फिफ्टी सेवेन टुक ओवर द वर्क ऑफ फार्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज the khadi and village industry commission is a non-profit group that serves to promote the use of khadi. in india, the group is government-run and serves to promote the use of khadi and small-scale industries. the group also gives license to companies that wish to manufacture the flag of india, khadi bandar. Chain stores are managed as rules and guidelines by this organization. These stores serve as outlets for products made by village industry. It is not restricted to sell khadi only, they also sell mastery, license tricks, decorative items made. From wood and earth, honey, leather items, etc. In commemoration of the Golden Jubilee celebration of Khadi and Village Industry Commission, India issued this 5 rupees commemorative coin on 19th November 2007 for general circulation. On this occasion, another coin in the denomination of 50 rupees was issued as proof uncirculated coin. ये राफ 2007 टू थाउजेंड सेवन है और महात्मा गांधी खादी और ग्रामोद्योग अयोग्य फिफ्टी वर्ष पे बनाया गया ये कॉइन है टू थाउजेंड सेवन का ये मुंबई मिंटेड का कॉइन है ये ये इंडिया का कॉइन सर्कुलेटिंग कॉमेमोरिटिव कॉइन का फिलहाल ये मार्केट में चल रहा है कॉइन लेकिन अभी बनना बंद हो गए हैं रेयर कॉइन है ये और ये ईयर ऑफ इशू टू थाउजेंड सेवन है इसका वैल्यू एन आर फाइव रुपीस है मेटल स्टेनलेस स्टील मेटल है इसका एग्जैक्टली वेट सिक्स ग्राम है और डाया मीटर ट्वेंटी थ्री एम एम शेप राउंड शेप का ये कैन है इसमें टू लैंग्वेज यूज किया गया है हिंदी और इंग्लिश और भारत इंडिया दिया हुआ है फिफ्टी ईयर्स ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज दिया हुआ है अशोक लैन का एक तस्वीर भी दी हुई है दोस्तों इस कॉइन की वैल्यू मार्केट में फिलहाल फाइव थाउजेंड तक चल रही है कॉइन के कंडीशन के हिसाब से और ये दूसरा कायन आप देख रहे हैं ये है फिफ्टी रुपीज़ का कॉइन है ये इस कॉइन भी इंडिया में नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है इंडिया का कॉइन है अभी ये कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको ये भी टू थाउजेंड सेवन में नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन के नीचे इशू किया गया था इसका वैल्यू ऑफ फिफ्टी रुपीज़ है ये सिल्वर कॉइन है ये मेटल इसका सिल्वर का है वेट एग्जैक्टली ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ग्राम वेट है और डायमीटर थर्टी नाइन एम एम राउंड शेप का ये कॉइन है इसका मेडल अलाइनमेंट ओरिएंटेशन है और कॉमेमोरेटिव इश्यू फिफ्टी एथ एनिवर्सरी ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का एक कॉइन आप इसको देख सकते हैं ध्यान से इस कॉइन में भी टू लैंग्वेजेस दिया गया है यहाँ पे भारत रुपया और सच्चे में जय थे ऊपर अशोक चिन्ह के नीचे जयते और नीचे फिफ्टी कर दिया हुआ है इंडिया रुपीस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में दिया गया है और दूसरी तरफ खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग हिंदी में दिया हुआ है और इंग्लिश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फिफ्टी ईयर्स ऑफ टू थाउजेंड सेवन में इशू किया गया है कान इस तरह हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में इसमें लैंग्वेजेस दिए गए हैं ये कॉइन फिलहाल सर्कुलेटिंग में नहीं है सिर्फ इस नाम से बनाया गया था ये नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है और फाइव रुपीस कॉइन एक ही सर्कुलेट में है मैं आपको फाइव रुपीस कॉइन की भी जानकारी दे चुकी हूँ ये फिफ्टी रुपीस की कॉइन की जानकारी है अगर हमारा वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तो पहुंचते रहेंगे और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए क्योंकि हमें भी आप लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के जरिए हम, हम नए नए जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों आपको दूसरे कान की भी जानकारी इसी वीडियो में बता रही हूँ ये है टू फाइव में इश्यू किया गया इशू किया गया हूँ ये है दिन एटी टू साल्ट एक्ट गेव द ब्रिटिश ए मोनोपल ऑन द कलेक्शन एंड मैनुफैक्चर ऑफ साल्ट लिमिटिंग इट्स हैंडलिंग टू गवर्नमेंट साल्ट डिपो एंड लिविंग ए साल्ट टैक्स द साल्ट सत्याग्रह Was a campaign of non violent protest against the British salt tax in colonial India and it began with the Dandi March on March 12, 1930. And it was an important part of the Indian independence movement, which triggered the wider civil disobedience movement. This was the most significant organized challenge to british authority since the non cooperation movement of 1920 and 22 and directly followed the purna swaraj complete independence declaration of by the indian national congress on january 26 1930 mahatma gandhi led the dandi march from sabarmati ashram near ahmedabad to the sea coast near the village of dandi as he continued on this 24th day 240 mile 390 kilometers mass to produce salt without paying the tax growing numbers of indians joined him along the way at the conclusion of the march and april 6 1930 when gandhi broke the salt laws in dundee it sparked large-scale acts of civil Disobedience against the British Raj salt laws by millions of Indians. Over eighty thousand Indians were jailed as a result of the Salt Satyagraha. In commemoration of the seventy-fifth seventy-five anniversary of the Dandi March, India issued this five rupees commemorative coin on twenty. Sorry. टू अक्टूबर 2005 फॉर जनरल सर्कुलेशन अनदर कॉइन वाज इश्यूड इन द डिनोमिनेशन हंड्रेड रुपीज एज प्रूफ अनसर्कुलेटेड कॉइन ईयर ऑफ इश्यू 2005 में इश्यू किया गया था एक महात्मा गांधी मार्चिंग विद दिस फॉलोवर्स विद इंस्क्रिप्शन दंडी यात्रा के सेवेंटी फाइव वर्ष पे इन हिंदी एंड लेफ्ट अपर पेरिफ्री एंड सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ दंडी मार्च इन इंग्लिश ऑन द राइट अपर पेरिफ्री नाइनटीन थर्टी टू थाउजेंड फाइव द स्पैम ऑफ सेवेंटी फाइव ईयर्स इज़ शोन बिलो द सेंट्रल रीजन मिंटेड इन मुंबई आपको मैं इन दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लिए रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैं किसी को इंग्लिश आता किसी को हिंदी आता इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में आपको रिव्यू बता रही हूँ और दूसरी ये बात है इस कॉइन का एग्जैक्टली exactly वेट है एट पॉइंट एटी फाइव ग्राम का ये कॉइन है फाइव रुपीज़ काइन ये इंडियन कॉइन है सर्कुलेटिंग कामटि रेयर कॉइन है ये और 2005 में इशू किया गया था ये इसका मेटल कॉपर और निकल से बनाया गया एक काइन डाया मीटर थ्री एम mm का है शेप राउंड शेप का एक आयन है आप इस कॉइन को देख सकते हैं दो लैंग्वेजेस इस कॉइन में दिया हुआ है इसका प्रूफ ऑफ मुंबई मिंट है और ये दूसरा कॉइन सॉ हंड्रेड रुपीज़ का कॉइन भी बनाया गया था इस कॉइन को नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन के नीचे बनाया गया था ये भी टू में इशू किया गया था इंडियन कॉइन ही है वैल्यू ऑफ हंड्रेड रुपीज़ और इसका मेडल सिल्वर कॉइन है ये वेट थर्टी फाइव ग्राम का कॉइन है ये डायमीटर फोर्टी फोर एम एम शेप राउंड शेप का ये कॉइन है इस कॉइन के ऊपर भी टू लैंग्वेजेस इशू किए है और ये देख सकते हैं आप ऊपर अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमोज जयते और हंड्रेड रुपीज दिया हुआ है भारत और इंडिया कहकर लिखा और इंडिया रुपीस दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस कान को देखिए आप दंडी यात्रा के सेवेंटी फाइव वर्ष सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ दंडी यात्रा दंडी मार्च कहकर दिया हुआ है नाइनटीन थर्टी एंड टू थाउजेंड फाइव में इस डेट पे इश्यू किया गया ये है इस कॉन का मिंट मार्क है मुंबई प्रूफ ऑफ मुंबई मिंट का कॉन है ये इन कॉइन की वैल्यू अगर आपके पास जरूर कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये कॉइन रहे तो इस कायन की कीमत बहुत सारी रहेगी लेकिन ये कॉइन कहीं भी मार्केट में नहीं आया है रेयर कॉइन है इंडियन कायन नॉन सर्कुलेटिंग कायन रहने के कारण सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ अगर इस इसी डंडी यात्रा का फाइव रुपीज़ का रेयर कॉइन रहा तो आपके पास उसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी अगर रेयर अगर एरर कान रहा है तो उसकी कीमत ज़रूर आपको मिलेगी दोस्तों अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो वो लोग भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचते रहेंगे दोस्तों अगर आपको किसी जानकारी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिए दोस्तों जय हिंद